और राइट, स्टार्ट करते हैं आज का न्यू वाला सेशन। न्यू वाला सेशन के अंदर हम लोग आज देखने वाले कि राउटर आईडी हम लोग किस तरीके से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे टोपोलॉजी देख सकते हो, यहाँ पे मैंने लिया है 3 राउटर R1 R2 एंड R3, एज वेल एज मैंने लिया यहाँ पे 3 स्विचेस और 3 यूज़र PC। ओके, इसको मैंने बेसिक आई पी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर चुका हूँ, एज वेल एज मैंने यहाँ पे OSPF का भी कॉन्फ़िगरेशन कर दिया है। अगर आपको OSPF एंड बेसिक आई पी एड्रेसिंग पता नहीं है किस तरीके से करते, तो आप राउटर जो आज का सेशन है हमारा, राउटर आईडी किस तरीके से सेट करते वो कर नहीं पाएंगे। तो बेसिकली आप क्या करो, आप जो मेरे प्रीवियस वाले सेशन है, प्रीवियस वाले लेक्चर है, उसके अंदर आप लेक्चर 7 OSPF का लेक्चर है, आप वो देख सकते हो। मल्टीपल OSPF, मल्टीपल एरियाज के अंदर OSPF कॉन्फिगर किया है, वो वाला सेशन देख सकते हो, एज वेल एज बेसिक आईपी एड्रेस ऑफ द कॉन्फिगरेशन, वो भी एक सेशन है, आप वो भी देख सकते हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल ऑफ राउटर आईडी। तो राउटर आईडी किस तरीके से हम लोग कॉन्फिगर कर सकते हैं, ये आज के सेशन में हम लोग ये वाला प्रैक्टिकल परफॉर्म करने वाले हैं। ओके, सो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि मैंने यहाँ पे कम्प्लीटली OSPF Area 0 का ही यूज़ किया है, इसमें मैंने मल्टीपल एरियाज का यूज़ नहीं किया है, तो आप यहाँ पे एक फोकस करो। सेकंड थिंग, यहाँ पे मेरे पास 3 राउटर है, राउटर 1, राउटर 2 एंड राउटर 3। इसके बाद जितने भी डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क थे मैंने उसको OSPF में एडवर्टाइज कर दिया है। ओके, सो मैं आपको एक बेसिक कॉन्फ़िगरेशन दिखा देता हूँ। शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने इंटरफेस को कॉन्फ़िगरेशन किया, बेसिक आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद राउटर OSPF को कॉन्फ़िगर किया है। बट आप यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हो, मैंने राउटर आईडी सेट नहीं किया अभी तक मैन्युअली। सेकंड थिंग, अभी मैं सेकंड राउटर पे जा रहा हूँ, सेम एज अगर यहाँ पे मैं देखता हूँ तो मैंने बेसिक आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन किया है और उसके बाद OSPF का भी कॉन्फ़िगरेशन किया है, बट राउटर आईडी सेट नहीं किया है। सेम एज मैंने राउटर 3 के ऊपर भी सेम कॉन्फ़िगरेशन किया है। ओके, सो बेसिकली जब भी मैं यहाँ पे R1 राउटर के ऊपर शो IP OSPF नेबर ये कमांड रन करता हूँ, तो मुझे ये नेबर राउटर का आईडी दिखाता है, राउटर आईडी 192.168.2.1। ओके, सो 2.1 मीन्स हमें नेबर राउटर का ये वाला इंटरफेस दिखा रहा है। ओके, जब भी हमारा कंसेप्ट क्या बोलता है, तुम्हारा नेबर राउटर ये है तो तुम्हें ये वाला इंटरफेस दिखना चाहिए, बट राउटर आईडी का जो कंसेप्ट है जो मैंने बताया है, सो राउटर आईडी क्या करता है, जो इंटरफेसेस होता है उसका हाईएस्ट आईपी एड्रेस ऑफ इंटरफेस वो ऑटोमेटिकली राउटर आईडी डिसाइड होता है इलेक्शन प्रोसीजर में। ओके, सो सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं राउटर 1 के ऊपर मैं शो आईपी प्रोटोकॉल रन करता हूँ, तो आपको दिखेगा यहाँ पे ऑटोमेटिकली राउटर आईडी सेट किया उसने 192.168.1.1। ओके, वो किस तरीके से सेट किया, अगर यहाँ पे हम लोग R1 की बात करते हैं तो ये जो एक इंटरफेस है ये है 192.168.1.1, और यहाँ पे जो इंटरफेस है उसका आई पी एड्रेस है 10.10.10.0.0.1। ओके, सो ऑब्वियसली बात है ये वाला इंटरफेस का आई पी एड्रेस हाईएस्ट है, सो ऑटोमेटिकली इसको राउटर आईडी बना दिया। सेम एज ये अप्लाई होता है R2 के लिए, R2 राउटर के ऊपर ये वाला जो इंटरफेस है ये हाईएस्ट आई पी एड्रेस है इसका 192.168.2.1, इसको उसने राउटर आईडी डिक्लेयर कर दिया। अगर मैं राउटर 3 की बात करता हूँ तो ये वाला जो इंटरफेस है उसका आई पी एड्रेस है 192.168.2.2, और ये जो इंटरफेस है F0 FA फास्ट इंटरनेट 1/0, इसका आई पी एड्रेस है 30.0.0.1। सो जाहिर सी बात है ये वाला जो हाईएस्ट आईपी एड्रेस ऑफ इंटरफेस ऑटोमेटिकली राउटर आईडी बन जाएगा। ठीक है, सो ऑटोमेटिकली ये तो हो रहा है, लेकिन हम लोगों को इस प्रैक्टिकल में देखना है कि मैन्युअली हम लोग किस तरीके से राउटर आईडी असाइन कर सकते हैं। सो आज के टास्क में मैं परफॉर्म करने वाला हूँ राउटर 1 का फास्ट इतने 0/1, इसको मैं बनाऊंगा मैन्युअली राउटर आईडी। ओके, राउटर 2 का इथरनेट 1/0, इसको भी बनाऊंगा मैं मैन्युअली राउटर आईडी। ओके, एंड राउटर 3 का इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0, इसको भी मैं बनाऊंगा मैनुअल राउटर आईडी। ओके, मतलब मैं मैन्युअली कॉन्फ़िगर करूंगा, मेरा हैंडराइटिंग इतना अच्छा नहीं है, बट स्टिल यू हैव टू कंसिडर। ओके, सो लेट्स जंप टू द राउटर 1।
यहाँ पे अभी मुझे राउटर आईडी कॉन्फ़िगर करने के लिए सिंपल एक लाइन की ही कमांड लेनी, बहुत इफेक्ट करता है हमारे राउटिंग टोपोलॉजी में। सो हमें यहाँ पे फोकस करना है किस तरीके से कॉन्फ़िगर करते हैं। सबसे पहले कॉन्फ़िगर टर्मिनल राउटर ओएसपी ऑफ प्रोसेस आईडी, यहाँ पे मैंने 100 लिए, आप यहाँ पे भी देख सकते हो। बिफोर दैट इसका राउटर आईडी है 192.168.1.1। तो अभी मैंने जैसे कि बात किया है, मुझे राउटर आईडी कॉन्फ़िगर करना है F0/1 को। राउटर आईडी सिंपल कमांड 10.0.0.1, ये मैं मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ। इसके पहले मैंने ओएसपी का कॉन्फ़िगरेशन दिखाया था जिसके अंदर राउटर आईडी नहीं था। तो मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ पे बोलता है वो क्लियर आईपी ओएसपी प्रोसेस, तो मुझे क्लियर आईपी ओएसपी प्रोसेस करना पड़ेगा। अगर क्लियर आईपी ओएसपी प्रोसेस नहीं करना है तो आप रीलोड भी कर सकते हो। तो मैं ये वाला कमांड यूज़ करूँगा। उसके बाद में रीसेट ऑल ओएसपी प्रोसेस आपको करना है। यस यस करने के बाद नेबर शिप डाउन होके अप हो जाएगा। तो आपको अभी ये लॉक्स पढ़ना आना चाहिए, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट करता है, ना कि सिमुलेटर बेसिस पे। अगर हम लोग रियल प्रोडक्शन में भी काम करते हैं तो ये लॉक्स पढ़ना, उसको समझना किस तरीके से हो रहा है, क्योंकि लॉक्स में सभी चीज़ों का इंफॉर्मेशन मिलता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी मैं मिडल वाले राउटर पे जा रहा हूँ, सेकंड वाले राउटर पे। यहाँ पे भी मैं राउटर आईडी सिलेक्ट करूँगा, मैन्युअली कॉन्फ़िगर करूँगा। राउटर ओएसपी प्रोसेस आईडी 100, राउटर आईडी में यहाँ पे दे रहा हूँ इथरनेट 1/0, इसका आईपी एड्रेस है 20.0.0.1। सेम एज क्लियर आईपी ओएसपी प्रोसेस, उसके बाद यस कर दो। सेम एज मुझे राउटर 3 के ऊपर जंप करना है। राउटर 3 पे F1/0 को मैं राउटर आईडी कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, प्रोसेस आईडी 100, राउटर आईडी 30.0.0.1। अगर आपने मेरे प्रीवियस वाले लेक्चर देखे तो आपको पता होगा कि मैं आईपी एड्रेस स्कीमा किस तरीके से यूज़ कर रहा हूँ, कौन से आईपी एड्रेस यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो आप एक बार पॉज करके इस टोपोलॉजी अपने पेज पे या तो फिर नोटबुक में वगैरह ड्रॉ कर लीजिए। उसके बाद आप पैकेट ऐसे पे कॉन्फ़िगर कर लो, ठीक है? क्रॉस वेरीफाई कर लो, ठीक है? तो उसके बाद ये प्रैक्टिकल परफॉर्म कर सकते हैं। अभी तक तो मैंने राउटर आईडी मैन्युअली सेट कर दिया तीनों राउटर के ऊपर। यहाँ पे भी इस राउटर 3 के लिए मैंने जो कॉन्फ़िगर किया है F1/0, मतलब 30.0.0.1। राउटर 2 के लिए मैंने किया है 20.0.0.1 एंड राउटर 1 के लिए 10.0.0.1 एज अ राउटर आईडी सिलेक्ट किया है। सो अभी हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग ओएसपीएफ नेबर टेबल में राउटर आईडी देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं करता हूँ शो आईपी ओएसपीएफ नेबर। जैसे मैं शो आईपी ओएसपीएफ नेबर करता हूँ, अगर प्रीवियस वाला अगर मेरा कमांड लाइन देखते हो आप, तो वहाँ पे नेबर आईडी दिखा रहा था 192.168.2.1। अभी क्या दिखा रहा है 20.0.0.1, जो कि हम लोगों ने मैन्युअली सेट किया था। मतलब अभी क्या हो रहा है, जब भी मैं R1 के ऊपर चेक करूंगा OSPF नेबर, तो मुझे वो इस राउटर को इंडिकेट करेगा, इस राउटर के राउटर आईडी को इंडिकेट करेगा, जो कि राउटर आईडी हम लोगों ने ये वाले इंटरफेस को कॉन्फ़िगर किया मैन्युअली। ऑटोमेटिकली ले रहा था ये हाईएस्ट आईपी एड्रेस ऑफ इंटरफेस, जो कि था 192.168.2.1। सो अभी मैं राउटर 2 पे जाके शो आईपी ओएसपीएफ नेबर करूँगा, तो मुझे दिखना चाहिए 10.0.0.1, जो कि F0/1 का आईपी एड्रेस है। उसके बाद 30.0.0.1, जो कि फास्ट इथरनेट 1/0 का आईपी एड्रेस है। सो अभी मैं फिर से जा रहा हूँ मिडल वाले राउटर के पास, शो आईपी ओएसपीएफ नेबर। यहाँ पे देख सकते हैं आप, करेक्ट है? अगर मैं इसके प्रीवियस वाले में इसमें जाके देख सकता था तो मुझे पता चलता कि वो हाईएस्ट इंटरफेस ऑफ आईपी एड्रेस दिखाता है। अभी मैं राउटर 3 पे चेक करूंगा तो मुझे नेबर कौन सा दिखाएगा, जो मिडल वाला राउटर है जिसका राउटर आईडी है 20.0.0.1। हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं शो आईपी ओएसपीएफ नेबर। तो एक बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है राउटर आईडी का। राउटर आईडी को हम लोग मैन्युअली भी सेट कर सकते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है।
क्योंकि वो राउटर को इंडिकेट करने का काम करता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोग मैन्युअली राउटर आईडी सिलेक्ट करते हैं। समटाइम्स क्या होता है, जस्ट कंसिडर करो कि यहाँ पे मेरे पास ये राउटर है, मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी 3 इंटरफेसेस है, किसी ने आके यहाँ पे और एक इंटरफेस कनेक्ट कर दिया और उसका आईपी एड्रेस है 192.168.3.1। ओके, तो उस इंटरफेस का आईपी एड्रेस 3.1 है, सो ऑब्वियसली बात है 3.1 इज़ द हाईएस्ट आईपी एड्रेस ऑफ द फिजिकल इंटरफेस। सो ऑटोमेटिकली क्लियर आईपी उस पर प्रोसेस करने के बाद 3.1 को वो राउटर आईडी कंसिडर कर देगा, करेक्ट। सो हम लोगों को एक स्टेबल नेटवर्क चाहिए, तो स्टेबल नेटवर्क में मैं एक स्टेबल राउटर आईडी कॉन्फ़िगर करूँगा ताकि मैनुअल कॉन्फ़िगर करूँगा। अभी इन राउटर के ऊपर अगर मल्टीपल कोई भी न्यू कनेक्टिविटी भी आती है तो भी डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि हम लोगों ने जो कॉन्फ़िगर किया है वो मैन्युअली किया है, ठीक है। तो अभी नया कनेक्शन आता है, नए लिंक कनेक्ट होते हैं, नए नेटवर्क कॉन्फ़िगर होते हैं, स्टिल उसमें डरने की कोई बात नहीं। जो पुराना वाला राउटर आईडी हम लोगों ने मैन्युअली सेट किया है वही सेट रहेगा, ठीक है। सो यहाँ तक तो था हमारा राउटर आईडी का कॉन्फ्रेशन, ज़्यादा कुछ कॉन्फ्रेशन नहीं है, ओके। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेशन है, आप इसको देखो समझो। अगर आपको इसमें कुछ दिक्कत है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप डेफिनेटली कमेंट सेशन में कमेंट कर सकते हो, मैं उसका डेफिनेटली आंसर करूँगा। सो आज का सेशन हम लोग यही फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।